गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन थ्री, एक्सरसाइज 4.2। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। स्टूडेंट्स, टू नंबर्स है उसका सम 27 है। अगर एक नंबर हम 15 लेते हैं तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस 15, अर्थात 12। बट एक नंबर 15 है ये हमें नहीं मालूम है, तो इसको यदि हम x मान लेते हैं, अर्थात एक नंबर यदि हम x लेते हैं और यदि टू नंबर्स का सम 27 है, तो इस हिसाब से दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस टू नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है, उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 182 के इक्वल करेंगे इस तरह से, तो एक इक्वेशन बनेगा। x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इनटू टू पार्ट्स। कंडीशन है कि उन दोनों पार्ट को या तो प्लस करके या तो माइनस करके मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से दो फैक्टर आएगा, फिर वन बाय वन जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स आएगा और एक्स का वो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। स्टूडेंट, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है 4, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये सब जितने भी हैं टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और भी हैं कई, तो ऐसा ही टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तैयार करना है। तो 4, 5 या 3, 4 इनमें से कौन सा है, या 5, 6 या 7, 8, सो नहीं मालूम, बट इतना जरूर है कि अगर पहला 7 होता है तो दूसरा होगा 8, यानी 7 में 1 प्लस करेंगे, यानी 7 का अगला नंबर, 7 के जस्ट बाद का नंबर, तो वो टू नंबर्स टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अब प्रश्न है कि पहला नंबर है क्या, ये नहीं मालूम, लेट कर लेंगे x। यदि पहला नंबर x होता है तो उसका जो अगला नंबर होगा उसके जस्ट बाद वो होगा, उसमें 1 प्लस करेंगे, अर्थात x प्लस 1। अब x और x प्लस 1 ये दोनों टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, तो उन दोनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों को प्लस करके इसके इक्वल करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों प्लस होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे,
तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को डिवाइड करेंगे इनटू टू पार्ट्स, दो फैक्टर आएगा, दोनों फैक्टर जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स आएगा और एक्स का वो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। ओके, थैंक्स।